अगला क्वेश्चन देखें, उन्होंने पूछा अर्थक्विक जनरेट बोथ द ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, इन दोनों करते हैं साउंड ऑफ द अर्थ स्पीड ऑफ द एस अबाउट 4.5 किलोमीटर। देखो जो पूछा है ना, क्या पूछा है इसमें, जो अर्थक्विक लोकेट डिस्टेंस अबाउट कितने पर लोकेट होती है, डिस्टेंस बता दो। तो अपने वो डिस्टेंस डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्या डिस्टेंस वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सारे फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं जनरली, क्योंकि यहाँ पे एक्सलेशन की कोई बात नहीं है क्योंकि वेरी नहीं कर रहा है। ओके, वेलोसिटी जो बात करते हैं एस का, वेव का, तो उन्होंने वी1 जो दे रखा है और सारे डेटा हम लिख लेते हैं। वी1 की जो वैल्यू उन्होंने दे रखा है 4.5 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, एंड उसके V2 जो दे रखा है उन्होंने, V2 दे रखा है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। और इसके अलावा जो टाइम दे रखा उन्होंने, ओके अगर ओके टाइम दे रखा है क्या इन्होंने, एंड फोर मिनट दे रखा है इन्होंने टाइम। तो 4 मिनट टाइम है वो क्या होगा, T2 माइनस T1 इक्वल टू 4 मिनट। अच्छा, T2 माइनस T1 क्या चीज़ है, देखो T2 माइनस T1 मैंने क्या माना, T2 जो है एक, देखो ऐसे मान लो टाइम एस ओ पी जो दो वेव हैं रीच द, अगर एक पॉइंट पे रीच करते ये दोनों वेव को पहुंचने में एक को T1 टाइम लगा, एक को T2 टाइम लगा, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसका डिस्प्ले वही और उनकी डिस्प्लेसमेंट, तो T2 माइनस T1 उनका नेट टाइम लगा, दोनों में टाइम गैप जो T2 माइनस T1 वो 4 मिनट दे रखा है दोनों का अराइव होने का 4 मिनट गैप। अब देखा जाए इसमें एस की जब बात करूँ, जो मैं एस बोलूँगा क्या बोलूँगा, एस इजकल टू V1 इंटू टी इजकल टू V2 इंटू टी बस। अब देखो यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 4.5 इंटू T1 ओके, अब माइनस 8 T2 और सॉरी यहाँ पे क्या होगा, माइनस का साइन है, माइनस 8 T2 इजकल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो T2 और T1 में एक रिलेशन निकल के आएगा, वो क्या आएगा, T2 इजकल टू 4.5 अपॉन 8 T1 ओके। अब इस इक्वेशन को अगर हमें फर्स्ट बोलता हूँ और हमारे पास जो इतना आएगा T2 माइनस 4 सेकेंड, अब इसको मैं यूज करता हूँ, इसको कन्वर्ट कर लो 4 से 24 240 सेकेंड, कितना 240 सेकेंड, ये भी इक्वेशन एक बना लेते हैं, तो इसको सेकेंड बोल लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट बोल लेते हैं ओके ठीक है। अब आगे देखा जाए T1 की जो वैल्यू आपकी है, अब T1 की जो वैल्यू आपकी है यूजिंग फर्स्ट और सेकेंड को देखा जाए तो T2 माइनस T1 की जो वैल्यू है वो कितनी 240। अब इसमें T2 की वैल्यू पुट कर दो, 240 में अगर 4.5 डिवाइड बाय 8 T1 माइनस T1 इक्वल टू 240, तो हम अगर T1 को सॉल्व करें तो हमारे पास T1 की वैल्यू जो आएगी 240 और LCM लेंगे तो LCM 8 आएगा तो 8T, तो यहाँ से जो 8 ट्रांसफर हो जाएगा उधर तो 8T और 8 हो जाएगा 8 और LCM कितना आएगा 3.-1, तो आएगा यहाँ पे 8 माइनस 4.5 3.5 नीचे आ जाएगा ओके। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 8 अप्रॉक्सीमेट 35, तो आपको कटने के बाद आएगा 548.5 सेकेंड ओके। और जो टाइम आया आपका T1 का 548.5 सेकेंड आपका T1 टाइम आया, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है S, तो S निकालने के लिए क्या V1 T1 करना पड़ेगा, हाँ जी, तो V1 कितना 4.5, T1 कितना 548.5, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा 2468.6, तो अप्रॉक्सीमेट हम लिख सकते हैं 2500 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेट हम ले सकते हैं ये वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट बराबर है 2500, इट मीन्स ऑप्शन सी जो है आपका सही है।